सो ये प्रतियोगिता दर्पण के दो काफ़ी पुराने टाइम से लेके अभी तक के वन लाइन फैक्ट है स्पोर्ट्स सब्जेक्ट के, तो सारे हम लोग देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये वन लाइन फैक्ट्स सारी एग्ज़ाम्स के लिए, और पीडी के हैं तो क्वालिटी फैक्ट हैं सारे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखते हैं इनको। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित आपस में जुड़े पाँच विभिन्न रंगों के छल्ले, नीला यूरोप को दर्शाता है, पीला एशिया को दर्शाता है, एशिया का इंपॉर्टेंट है इंडिया एशिया में आता है, लाल अमेरिका को, काला अफ्रीका को एवं हरा ऑस्ट्रेलिया महादेश का प्रतीक है। भारत में अधिकृत रूप से 1920 में एंटवर्प ओलंपिक से भाग लेना शुरू किया था भारत ने, ठीक है। पोलो खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या चार होती है, और वाटर पोलो में कितनी होती है वो आपको बताना है। फ्री जोन शब्द का संबंध खो खो से है, फ्री जोन खो खो। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में है, कोलंबो मतलब श्रीलंका की राजधानी। माय बेस्ट गेम ऑफ चेस पुस्तक के लेखक विश्वनाथ आनंद है, विश्वनाथ आनंद शानदार चेस के खिलाड़ी। राजीव गांधी गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है, राजीव गांधी गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। बांग्लादेश ने के टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली विजय जिम्बाब्वे के खिलाफ दर्ज की थी। झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से, झूलन गोस्वामी एक इम्पोर्टेंट क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की स्मृति में, ठीक है। 29 अगस्त को फॉर्मूला वन रेस में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय चालक नारायण कार्तिकेय हैं। WTA खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा हैं। जय लक्ष्मी कप टेबल टेनिस से संबंधित है, जय लक्ष्मी टेबल पर रख के लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। वॉलीबॉल के मैदान का आकार 60 फीट क्रॉस 20 फीट है, ठीक है, मतलब 800 स्क्वायर फीट आयताकार होता है। विश्व विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और डेनिस द मेनिस किस खिलाड़ी को बोलते हैं आपको बताना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खेल कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुई थी, जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान एस वेंकट राघवन थे, ठीक है, कपिल देव नहीं थे, ये आपको याद रखना है। तो ये अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रथम विश्व कप क्रिकेट में 1975 में हुआ था, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, एस वेंकट राघवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, इसके चांसेस एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद का मुख्यालय दुबई में है, पहले ये लंदन में हुआ करता था, लेकिन एशिया में इसकी खेल की कंपटीशन बढ़ते हुए इसको कहाँ पे कर दिया गया, दुबई में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है या एक पर्वत का नाम है, ओलंपस एक पर्वत नाम है। गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा है। जिन्ना स्टेडियम पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित है, जिन्ना स्टेडियम, ठीक है, आप इलिमिनेट भी कर सकते थे कभी क्वेश्चन आ जाए तो। ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल 8 लेन होती है, ऐसे ये स्विमिंग पूल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी 8 लेन होगी। चाइना कप जिमनास्टिक से संबंधित है, और चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित होता है, ठीक है। ओलंपिक जिनेवा में स्थित है। पर्वतरोहण के क्षेत्र में विश्व विख्यात सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के हैं, अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 में फ्रांस के चामोनिक्स में हुआ था। आयरन शब्द गोल्फ से संबंधित है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था, ठीक है। क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली विभिन्न पत्रिकाओं में खिलाड़ी रणजीत सिंह, क्रिकेट की बाइबल को विजडन पत्रिका आती है उसको क्रिकेट की बाइबल कहते हैं, ठीक है। पत्रिका में खिलाड़ी रणजीत सिंह 1897 में सर्वप्रथम सम्मानित किया गया। शतरंज खेल के प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहते हैं, ठीक है। MJ गोपालन ने क्रिकेट और हॉकी दोनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। MJ गोपालन ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों में खेलते हैं, ठीक है। माइकल जैक्सन। सैमुअल बेकट एकमात्र एक प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी है जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी है, अच्छा क्वेश्चन है। रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है, इंडिया का नहीं है, इंडिया का क्या है आपको बताना है, हॉकी है, इंडिया और पाकिस्तान का हॉकी है, ठीक है। पोलो कहाँ का है ये आपको बताना है। उसके बाद परिमार्जन नेगी शतरंज से संबंधित है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को माही के नाम से भी जाना जाता है, घटिया क्वेश्चन। दिलीप टिर्की हॉकी खेल से संबंधित है। हॉपमैन कप टेनिस से संबंधित है। रंगास्वामी कप हॉकी में प्रदान किया जाता है। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से संबंधित है, जीव है ये, ठीक है। भारत के क्रिकेट में प्रथम टेस्ट सेंचुरियन सी के नायडू इनकी लड़की का अभी रिसेंटली निधन हो गया है, ठीक है, नायडू का, सी के नायडू।
डीके यादव ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। वो पहले भारतीय हैं डीके यादव, ओलंपिक में व्यक्तिगत मेडल। ठीक है, सुब्रतो कप फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। बीमार शब्द क्रिकेट से संबंधित है। टेस्ट मैच खेलने वाले सभी देशों के विरुद्ध शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी राहुल द्रविड़ है। टेस्ट मैच खेलने वाले सभी देशों के विरुद्ध शतक बनाने वाले। ठीक है, पॉली उगरीकर क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी है। प्रसिद्ध खिलाड़ी ओलिवर क्वान फुटबॉल से संबंधित हैं। आगे देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन। ब्रेस्ट स्ट्रोक पद तैराकी से संबंधित है। ब्रेस्ट स्ट्रोक पद तैराकी की फ्री स्टाइल स्पर्धा में तैराक की गति सबसे अधिक होती है। फॉलो ऑन शब्द क्रिकेट से संबंधित है। T20 क्रिकेट का पहला विश्व कप टूर्नामेंट भारत में फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता था। अजलन जा को हॉकी खेल में दिया जाता है। विंबलडन ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ओलंपिक खेल सामान्यतः 4 वर्षों के अंतराल में होता है, सबको पता है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है, पंजाब में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। आगा खान हॉकी खेल से संबंधित है। चेकमेट शब्द का संबंध शतरंज से। सर डोनाल्ड ब्रेडमैन ने क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। मिक्स्ड डबल पद बैडमिंटन टेनिस टेबल आदि खेलों में प्रयुक्त किया जाता है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान में हुई थी, यूनान बोले तो ग्रीक। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कन्नम मल्लेश्वरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था। अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी के लिए, ठीक है। और रिसेंटली अभिनव बिंद्रा को मिला गोल्ड कप। स्वर्ण पदक हॉकी के लिए अंतिम बार कहाँ मिला था? मॉस्को रशिया में। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग है। 300 रन मारे थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको देवी हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है। विजय हजारे का संबंध क्रिकेट से है। अर्जुन पुरस्कार में खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार विक्रम पुरस्कार देती है, ठीक है, सीनियर प्लेयर के लिए, और एकलव्य पुरस्कार जूनियर प्लेयर्स के लिए। सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन मलेशिया में होता है। सिली पॉइंट शब्द का संबंध क्रिकेट से, अच्छा क्वेश्चन है। लिएंडर पेस लॉन टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है, सब लोग जानते हैं। मिताली राज का संबंध महिला क्रिकेट से, कैप्टन भी रह चुके हैं। हॉकी के मैच में एम्पायर द्वारा हरा कार्ड दिखाकर चेतावनी दी जाती है, ठीक है, और रेड कार्ड देने पर हटा दिया जाता है। आगे के कुछ फैक्ट देखते हैं। विंबलडन का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय रामनाथ कृष्णन थे। विश्व कप क्रिकेट 1975 से प्रारंभ हुआ है, ये क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला जीती। क्रिकेट पिच की लंबाई लगभग 22 गज 66 फीट होती है। दिल्ली का शिवाजी स्टेडियम हॉकी खेल से संबंधित है। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा भारत के हैदराबाद शहर से हैं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में मिल जाएगा आपको। T20 विश्व कप में शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना है, 2010 में लगाया था। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है नई दिल्ली में। क्रिकेट की ब्रेस्ट श्रृंखला एसेज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच की टेस्ट श्रृंखला है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है। दोहरा शतक बनाने वाले 3 शतक बनाए थे सहवाग ने और 2 शतक बनाए थे किसने? सचिन तेंदुलकर ने। 2 शतक सचिन तेंदुलकर के और 13 शतक सहवाग के। डर्बी का संबंध घुड़ दौड़ से। मुंबई गोल्ड कप बैडमिंटन खेल से जुड़ा है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना लखनऊ में की गई है। एशिया खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? कपिल देव ने लिखी है, ठीक है। कपिल देव की 2 बुक्स आ गई, ऊपर हमने एक और देखी थी। खिलाड़ी मंसूर अली पटौदी टाइगर उपनाम से भी जाना था। टाइगर पटौदी ये सैफ अली खान के पिताजी हैं, मंसूर अली पटौदी। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कृष्णा पुनिया है। इन्होंने डिस्कस थ्रो में भी स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला था इनको 2016 की बात है या 2016 की, हाँ 2016 नहीं, चेक करना एक बार, 12 की बात है शायद। परी मार्जिन नेगी शतरंज खेल से संबंधित खिलाड़ी। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग को नजफगढ़ का नवाब कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बिल्कुल ज़्यादा है। नजफगढ़ का नवाब किसे कहते हैं? तो वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं। माइकल शूमाकर फार्मूला 1 कार रेस खेल के
लिए प्रसिद्ध है। भूटान का राष्ट्रीय खेल धनुर्विद्या, धनुर्विद्या बोले तो आर्चरी है, धनुष बाण, ठीक है, उसको भूटान का है वो। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। लाला अमरनाथ ने अपना प्रथम टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई थी। राधा मोहन का पोलो से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम एशियाई देश मलेशिया है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। वॉलीबॉल खेल का जन्म अमेरिका में हुआ, ठीक है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन भारत में हुआ था। विंबलडन प्रतिस्पर्धा ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति विश्वनाथ आनंद थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1990-91 में की गई। मैराथन दौड़ की कुल लंबाई 42.195 किलोमीटर है, ठीक है, 26 मील 385। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी मिलेगा आपको। बॉक्सिंग, आइस हॉकी, स्केटिंग एवं कुश्ती के खेल स्थानों को रिंग कहा जाता है। दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित है। स्मैश शब्द वॉलीबॉल से संबंधित है। T20 विश्व कप क्रिकेट 2008 में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के युवराज सिंह ने लगाए थे। प्रसिद्ध तैराक माइकल फेलिप्स अमेरिका के हैं। इनको गोल्डन फिश नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ये। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट ईरान में क्रिकेट खेलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का प्रथम एशियाई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया थे। जैसा मैंने आपको भी पीछे बताया था, विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के प्रथम एशियाई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया थे। ये बिल्कुल लूसेंट वगैरह में भी दे रखा है। पिंग पोंग के नाम से टेबल टेनिस को जाना जाता है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिंग पोंग इसलिए क्योंकि टप्पे खाती है गेंद, इस वजह से। चेस बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं, ठीक है, 32 इधर एक साइड, 32 दूसरी साइड 32, तो कितने हो गए 64। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस से प्रारंभ हुआ था। विश्व निशानेबाज चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला तेजस्विनी सामंत हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय सुशील कुमार हैं, भारत के हैं बिल्कुल। ICC क्रिकेट के विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम से है। ICC क्रिकेट विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम से है, जो कि विराट कोहली बहुत तेज़ी से इनके रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते हुए। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। भैंसों को लड़ाया जाता है आपस में, ठीक है। क्रिकेट का जन्मदाता देश इंग्लैंड है, सब लोग जानते हैं। मक्का आपको लॉर्ड्स में मिलेगा क्रिकेट का। फाइड विश्व शतरंज की प्रशासनिक संस्था है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक भारतीय क्रिकेट युवराज सिंह ने लिखी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। वॉलीबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, बिल्कुल। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में है, ठीक है, और ये बना था आपका 1957 में, ठीक है, 1857 की क्रांति के 100 साल बाद बना था 1957 में। विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला भारतीय महिला पिस्टल निशानेबाज राही सरनोबात हैं। विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पिस्टल निशानेबाज। चर्चिल ब्रदर एवं मोहन बागान टीम का संबंध फुटबॉल खेल से है। प्रथम विश्व कप क्रिकेट में कप का नाम प्रूडेंशियल कप था। दूसरे कप्स का नाम विल्स कप था शायद, ठीक है। तीसरा कप का नाम रिलायंस कप था। पहले का इम्पोर्टेंट है, प्रूडेंशियल कप। प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 1930 में उरुग्वे में हुआ था, ठीक है। उरुग्वे साउथ अमेरिका का एक देश है। उबेर कप एवं थॉमस कप बैडमिंटन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये समझ में आया ना, प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 1930 उरुग्वे में हुआ था। थॉमस कप पहली बार 1949 में आयोजित हुआ था। क्रिकेट में कई कल्ले बजा 10 प्रकार से आउट होते हैं। मैक्सिमम 10 टाइप से आप क्रिकेट में आउट सकते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, MPPSC आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में स्थित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिला हॉकी से संबंधित है। रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है। शोएब अख्तर को बहुत तेज गेंद फेंकते हैं, इसकी वजह से। क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला लॉर्ड्स का मैदान लंदन में अभी हमने देखा। इंग्लैंड में डर्बी घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम इप्सम स्टेडियम है। भारत में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जीता था। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पाकिस्तान का भी हॉकी है। माइक टाइसन का संबंध बॉक्सिंग से है, बिल्कुल, बहुत डेंजर बॉक्सिंग करते हैं ये। देश की पहली महिला एम्पायर अंजलि राय थी। सबसे पहले SAF खेल का आयोजन 1984 के काठमांडू में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है साउथ एशियन गेम्स का।
युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है। मैंने बता चुका हूँ आपको, एकलव्य पुरस्कार जूनियर प्लेयर के लिए, विक्रम पुरस्कार सीनियर प्लेयर के लिए और विश्वामित्र पुरस्कार कोचेस के लिए। डर्बी घुड़दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की दूरी लगभग 2.4 किलोमीटर होती है। रिवर्स सैंडविच शब्द टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। वर्ष अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर होता है, ठीक है। अगर बारिश वगैरह हो जाती है, कुछ नेचुरली कुछ डिस्टर्बेंस आता है, तो उसमें क्रिकेट मैच का जो निर्णय होगा वो डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर होता है, ठीक है। तो डकवर्थ लुइस नियम किस खेल से संबंधित ये पूछा जाता है। ओलंपिक म्यूजियम लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थापित है। चेतन आनंद का संबंध बैडमिंटन से है। स्टेलमेट शब्द शतरंज से संबंधित है। वीरेंद्र सहवाग एकमात्र बल्लेबाज है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3 बार 13 शतक बनाया और सचिन तेंदुलकर ने 2 बार, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर 2 बार, सहवाग 3 बार। प्रथम एफ्रो एशियन खेल हैदराबाद में आयोजित हुए थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, 6 गेंदों का एक ओवर होगा ऐसा 1900 में डिसाइड हुआ था। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार 1992 से प्रारंभ हुआ। भारतीय खेलकूद प्राधिकरण का गठन 1984 में हुआ था। बारामती स्टेडियम कटक में स्थित है। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, इसमें प्रथम स्थान पर जापान रहा, इसमें प्रथम स्थान पर जापान रहा। फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात मिल्खा सिंह भारतीय प्रथम फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात मिल्खा सिंह भारतीय धावक रहे। प्रथम भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप चैंपियन 1983 कपिल देव की कप्तानी में बना। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम एथेंस में आयोजित किए गए थे। पोलो खेल का संबंध सबसे मैदान सबसे बड़ा होता है, पोलो खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है। पोलो खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 270 मीटर और 180 मीटर होती है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट बैटन कप है, तो दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। सबसे पुराना फुटबॉल का कौन सा हो गया, डूरंट, और पुराना हॉकी बैटन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान पटियाला में स्थित है, ऊपर एक बार रिपीटेड है ये फैक्ट। माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम नामक पुस्तक प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले हैं। पेले को ब्लैक पर्ल कहा जाता है, हॉकी के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट खेल के प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होंगे, बिल्कुल पता है। वीनस बहनों का संबंध अमेरिका से है। फीफा की स्थापना का श्रेय जूलियस रिमेट को है। फीफा की स्थापना, फीफा फ्रांस में, फ्रांस क्या चेक करना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। फीफा फुटबॉल से संबंधित। डेविस कप की शुरुआत 1900 ईस्वी में हुई थी। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत 1934 के साथ हुई थी, ठीक है। 1935 का पॉलिटी में एक्ट आता है, उसमें से एक कम घटा देंगे तो उस टाइम पर रणजी की शुरुआत हुई थी। साइकिलिंग का खेल परिश्रम वेलोड्रम कहा जाता है, ऐसा गोल सर्कल होता है जो जीता हुई सिकंदर में देखने को मिल जाएगा। नेहरू चेपक स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। चेपक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, ठीक है। थोड़े से और फैक्ट बचे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे सारे प्रतियोगिता दर्पण के। डेक्थलॉन में हर खिलाड़ी को 10 तरह के खेलों के भाग का लेना, इसमें कई खिलाड़ी प्रथम ना अपनी बार पर सर्वप्रथम हो सकता है। रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक 1900 से प्रारंभ हुई। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है। क्रिकेट खेल के लिए चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। बीएस चंद्रशेखर वह खिलाड़ी हैं जिसे विजडन द्वारा 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय गेंदबाज घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई भूमि से 8 फीट होती है। शीतकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 1924 में हुई थी। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में प्रदान किया जाता है। इंद्रप्रस्थ स्टेडियम इंडोर गेम से संबंधित है। इंद्रप्रस्थ स्टेडियम इंडोर गेम से संबंधित है। टाइम आउट शब्द क्रिकेट से संबंधित है। प्रथम दक्षेस खेल काठमांडू में हुए थे। सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल प्रतिस्पर्धा डूरंड कैप का प्रथम आयोजन 1888 शिमला में हुआ था। भारत में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लॉर्ड्स में 1974 इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। पॉली उमरीगर को पाम ट्री हिटर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना इंडियन हॉकी फेडरेशन इंग्लिश में बोलेंगे 1927 इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स म्यूजियम कोलकाता में है। T20 क्रिकेट में एक पारी में कोई गेंदबाज अधिकतम 4 ओवर फेंक सकता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज
हरिचरण शाह थे। पेरिस ओलंपिक 1900 में पहली बार और आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया। पेरिस ओलंपिक में एक ही बार ओलंपिक में, मतलब ओलंपिक में आज भी क्रिकेट शामिल नहीं है, लेकिन 1900 में पहली और आखिरी बार शामिल किया गया था, उसके बाद आज तक नहीं शामिल किया गया है। 1951 में और अभी जो 2021 के ओलंपिक हैं वो टोक्यो में होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी कोरोना को लेकर वो भी संकट में है कि होगा कि नहीं होगा। 2020 में होने वाले थे, पोस्टपोन करके 21 में किए। 1951 को प्रथम एशियाई खेलों का शुभांकर जंतर मंतर था। प्रथम विंबलडन टूर्नामेंट 1877 में खेला गया। भारत में पहला राष्ट्रीय खेल नवंबर 1985 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में पहला राष्ट्रीय खेल एशियन गेम्स। क्रिकेट का बैट बनाने के लिए सेलिक्स अलवा लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और विलो लकड़ी का भी उपयोग किया जाता है, और हिमालय में आपको ये पेड़ मिल जाएंगे। ढिंग एक्सप्रेस नाम से एथलीट हिमा दास को नामा जाता है। ढिंग एक आसाम में जहाँ पे इनका निवास है, जगह रहती है जहाँ पे ढिंग ढिंग करके एक जगह है, वहाँ पे इनका निवास है, उसकी वजह से, मतलब जिस गांव या जिस क्षेत्र का नाम है। ओलंपिक चार्टर 1894 में अस्तित्व में आया। ओलंपिक ध्वज के शिल्पकार पियरे दे कुबर्टिन थे। फीफा की 1904 में स्थापना हुई। ओलंपिक में सर्वप्रथम फुटबॉल 1908 में लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया। प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 13 जुलाई 1930 को उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में हुआ। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि 19 मिनट की होती है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, 19 मिनट बोले तो डेढ़ घंटा। कार्फ बॉल खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होती है। कार्फ बॉल क्रिकेट में संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में है। चंद्रशेखर रिपीटेड है ये श्रीलंका में, प्रेमदासा। चंद्रशेखर नायर फुटबॉल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में है। ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम एथलीट मिल्खा सिंह थे। जिम्नास्टिक में परेशानी, नवीनता, शालीनता और आश्वस्त गति के आधार पर अंक दिए जाते हैं। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ सर्वप्रथम 1987 कोलकाता में आयोजित की गई। रग्बी यूनियन खेल में एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में फीफा द्वारा गोल्डन गोल की व्यवस्था 1993 में आरंभ की गई थी। एशिया का सबसे प्राचीन एवं विश्व का तीसरा सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 85 से शुरू किया गया भारत सरकार में। प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। 200 से अधिक के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज हो गई है। मिक्स्ड डबल्स पद का प्रयोग बैडमिंटन, टेनिस, डबल टेनिस खेलों में होता है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। भारत में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। इसमें पहला स्वर्ण पदक भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता। वाटर पोलो की सर्वोच्च नियामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीना है, ठीक है। आगे देखते हैं और बस गाइज ये ख़त्म हो गए क्वेश्चन, यहाँ पे हिस्ट्री के शुरू हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट के देखेंगे। मैं PDF अटैच कर देता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।